दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे दिल लगी कि तेरे चैनल अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो एज यू ऑल नो होली फेस्टिवल इज अराउंड। लास्ट टाइम तो होली सबने मनाया था बट उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था एंड इस बार भी देर आर सर्टन मोर केसेस कमिंग अप सो वी डोंट नो कि क्या हम होली पार्टीज अटेंड कर पाएंगे या नहीं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि घर पे रहो, सेफ रहो, बट अगेन दैट डजंट मीन कि आप फेस्टिव स्पिरिट में ना आओ। Get ready, have lots of yummy food, अपने family के साथ time spend करो, pictures click करो and pictures से याद आया कि pictures के लिए आपको होना पड़ेगा तैयार and that's why I'm going to be sharing with you all this easy, simple, subtle glam sort of a makeup look जो कि perfectly appropriate है for होली and होली you know daytime festival है तो उस हिसाब से ज़्यादा bright भी नहीं है and ये वाला जो look है ना in particular pictures में तो बहुत अच्छा आने वाला है। सो डेफिनेटली आप ये लुक रिक्रिएट करके पिक्चर्स जरूर क्लिक कर सकते हो और इन केस यू रिक्रिएट द लुक देन डू टैग मी एंड शेयर इट इन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू सी इट। विद दैट विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी वेरी हैप्पी होली इन एडवांस और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद द मेकअप ट्यूटोरियल। तो जब आप किसी पर्टिकुलर लुक के लिए मेकअप कर रहे हो ना, आप पहले ज्वेलरी पहन लेना सो दैट आपको अपने फेस का कट अच्छे से समझ आए। एंड मेकअप शुरू करने में सबसे पहले मैंने ये वेट वाइप्स यूज़ किया एंड अपने फेस को क्लीन किया उससे सो दैट जो भी डर्ट हो वो रिमूव हो जाए। अब टोनर के लिए मैंने गुड वाइब्स का ये नीम एंड तुलसी टोनर यूज़ किया है, ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और कामिंग है। एंड इसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने ये फॉरेवर का अलॉय प्रोपोलिस क्रीम यूज़ किया है। वेल ये आपको किसी भी ऑनलाइन रिटेल स्टोर में अवेलेबल नहीं हो सकता है तो अगर आपको इससे परचेज़ करना है तो मैं इसका इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत ही थिक और यू नो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग सा क्रीम है, क्वाइट गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल। और जब तक मेरा फेस सारे मॉइस्चर को सोक करता है तब तक के लिए मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ मैट लिपस्टिक। सो यहाँ पे मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ यूजिंग अ लिप बाम एंड इसके बाद आई एम यूजिंग इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। ये भी एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है बट दिस वन इज़ लाइक अ वेरी इनएक्सपेंसिव येट गुड परफॉर्मिंग प्राइमर। मूविंग नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ये स्टिक फाउंडेशन। नाउ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं एक स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी लगा मुझे बट मुझे इसका शेड इतना अभी समझ तो नहीं आ रहा था बट ब्लेंड करने के बाद मुझे पता चला दैट ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है मेरे स्किन टोन के साथ। मतलब मुझे इसका कवरेज बहुत ही ओकेश लगा, कवरेज कुछ ज़्यादा ही यू नो हाई कवरेज भी नहीं है और आई थिंक मीडियम भी नहीं, दिस इज़ अ वेरी श्योर कवरेज सॉर्ट ऑफ अ फाउंडेशन लेकिन काफ़ी क्रीमी है और बहुत ईजिली ब्लेंड होता है। तो अगर आपका ड्राई स्किन है या फिर यू नो समर सीजन्स के लिए पर्टिकुलरली ये फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। बट जैसा कि मैंने बोला मुझे लग रहा है कि इसका कवरेज इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है सो आई जस्ट टुक थोड़ा सा और फाउंडेशन। अब फाइनली इस फाउंडेशन से मुझे कुछ ऐसा कवरेज मिला, बहुत ही इजीली और स्मूथली ब्लेंड हो गया है सो आई रियली रियली लाइक दिस फाउंडेशन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का ये कंसीलर स्टिक। नाउ वंस अगेन पहली बार मैं एक स्टिक फॉर्मुलेशन में कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस वन अगेन इज़ हाईली क्रीमी एंड वेरी स्मूथ टू ग्लाइड इन और ये भी बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया। मतलब सरप्राइजिंगली ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहे थे बट इन सबका कवरेज थोड़ा सा कम था। सेम विद द कंसीलर, इसका भी कवरेज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था बट बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहे थे एंड बिल्डेबल भी थे सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट।
जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे इसका कवरेज थोड़ा कम लग रहा था, सो अगेन मैंने थोड़ा सा और कंसीलर यूज़ किया। सो दिस इज़ हाउ माई बेस मेकअप फाइनली लुक्ड लाइक। टू बी ऑनेस्ट, मैं दोनों प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। उसके बाद मैंने शुगर का ये लूज पाउडर यूज़ किया टू बेक माई अंडर आई रीजन्स, एंड जब तक बेकिंग हो रहा था तब तक मैंने क्विकली अपने ब्राउज भी कर लिए। बाय द वे, आई हैव रिसेंटली अपलोडेड अ वीडियो ऑफ हाउ आई डू माई ब्राउज, सो डू चेक इट आउट। एंड उसके बाद मैंने अपने फेस को अच्छे से सेट भी कर लिया। एंड मूविंग नेक्स्ट फॉर माई आई मेकअप, यहाँ पे मैं जूम इन कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने कंसीलर यूज़ किया सो दैट मैं अपना बेस रेडी कर लूँ। सो आफ्टर माई आई बेस वॉज रेडी, मैंने सबसे पहले एक बहुत ही लाइट सा शेड यूज़ किया है सो एज़ टू डिफाइन द क्रीज ऑफ माई आईज़। एंड मैं इसको दो तीन लेयर में अप्लाई करूँगी सो दैट मुझे अच्छा कलर पे ऑफ मिल जाए। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप बिगनर हो और आपको आई मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको ब्रश रिकमेंडेशन जानना है, आपको ये ब्रश का मोमेंट सीखना है, और आपको यू नो क्रीज शेड और ट्रांजिशन शेड के बारे में जानना है, देन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन बिगनर्स आई मेकअप ट्यूटोरियल। वो वीडियो अभी आई बटन पे पॉपअप हो ही रहा होगा, सो डू मेक श्योर टू चेक आउट द वीडियो। वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है फॉर बिगनर्स। एंड यहाँ पे आफ्टर द ट्रांजिशन शेड आई हैव मूव्ड ऑन टू अ डार्कर शेड, और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर आई के वी में। एंड हमेशा याद रखना कि हम अपने आउटर वी में डार्कर शेड को अप्लाई करते हैं और इनर वी के तरफ लाइटर शेड को। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ दो कलर टोन्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा यू नो वाइब्रेंट पैलेट इतना नहीं पसंद है, प्लस क्योंकि डे टाइम लुक है सो आई वॉन्टेड टू बी लाइक वेरी वेरी न्यूट्रल, येट सर्टन ग्लैम फैक्टर शुड बी देयर। सो इसके बाद मैं एंड में ग्लिटर तो ज़रूर यूज़ करूँगी, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप सारे शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करें सो दैट कोई हार्श लाइन ना रहे। एंड वंस यू आर डन विथ योर आई लिड्स, तो आपको अपने लोअर लैश लाइन के नीचे भी उस सेम शेड को अप्लाई कर लेना है सो दैट वो यू नो एक पुट टुगेदर सा लुक दे। एंड दिस इज़ हाउ द आई मेकअप टर्नड आउट टू बी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लूज फॉयल, दिस इज़ अ रीसेंट परचेज, एंड पहले मैंने इसको ब्रश के हेल्प से अप्लाई करने की कोशिश की तो ये नहीं हुआ, एंड फाइनली फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। सो ये एक मरून शेड में है, एंड मुझे ये डुअल टोन वाला जो लुक है ना बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें कोरल और मरून का ये ब्लेंड बहुत अच्छा लुक दे रहा था। और उसके बाद मैंने NYB का ये ब्लैक आईलाइनर यूज़ किया बिकॉज दैट वाज गोइंग विद द लुक, एंड क्योंकि फेस्टिव लुक है इसलिए मैंने काफ़ी सारा मस्कारा कोट किया अपने लैशेस पे टू मेक देम लुक फुलर। आप चाहो तो फॉल्सीज भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अ पर्सनल चॉइस। एंड फाइनली मैंने अपने लोअर लैश लाइन को भी डिफाइन किया यूजिंग सम ब्लैक आई शेडो, और उसके बाद मैंने ये रिवोल्यूशन का ब्लश यूज़ किया है, एंड फाइनली आई पॉप्ड अप सम हाइलाइटर। और इन सब के बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया टू फाइनली सेट ऑल द मेकअप इन प्लेस। बहुत ही सिंपल सटल सा लुक है एंड इट इज परफेक्टली अप्रोप्रिएट फॉर योर डे टाइम होली फंक्शंस। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Boy, boy, boy.